हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन लुक एंड लर्न क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर 5th, जिसका नाम है पीरियोडिक क्लासिफिकेशंस ऑफ एलिमेंट की एक्टिविटी 5.8। इस एक्टिविटी 5.8 का क्वेश्चन 1 है, स्टडी द वेरिएशंस इन द एटॉमिक रेडियाई ऑफ फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स गिवन बिलो एंड अरेंज देम इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर। मतलब हमें क्या करना है कि जो फर्स्ट ग्रुप के जो एलिमेंट्स जो हैं उनको, मतलब ये आपको यहाँ पे दिए गए हैं, ओके, गिवन बिलो का मतलब यहाँ पे आपको दिखाए गए हैं, ओके, और इनको क्या करना है, इनकी जो एटॉमिक रेडियाई जो है उनके हिसाब से उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर क्या करना है, इसको अरेंज करना है, ओके, और फिर हमें देखना है कि किस तरह का वेरिएशंस हमें इनको अरेंज करने के बाद देखने को मिलता है। तो ग्रुप वन के जो एलिमेंट है ये है और इनकी एटॉमिक रेडियाई जो है वो यहाँ पे दिखाई गई है, ओके। तो जो ग्रुप वन के कौन कौन से एलिमेंट दिए गए हैं, सोडियम, लिथियम, रुबिडियम, सीजियम और पोटेशियम, ओके, इनकी एटॉमिक रेडियाई ये 186, 152, 244, 262 एंड 231, ओके। सबसे पहले एटॉमिक रेडियाई की हम स्टडी कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि एटॉमिक रेडियस क्या होता है। तो जो कोई भी एटम जो होता है उसके अंदर सेंटर का जो पोर्शन जो होता है वो प्रोटोन और न्यूट्रॉन से मिलकर बनता है, इसको हम न्यूक्लियस कहते हैं, क्लियर। और इसके चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो सर्कुलर पाथ के अंदर मूव करते हैं और इसको हम बोलते हैं शेल। और जो सबसे आउटर शेल जो होता है इलेक्ट्रॉन का उसको हम बोलते हैं वैलेंस शेल, ओके। तो न्यूक्लियस से लेके जो वैलेंस शेल के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम बोलते हैं एटॉमिक रेडियस, ओके। अब हमारा जो क्वेश्चन था उसमें हमने एलिमेंट्स आर अरेंज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ दियर एटॉमिक रेडियाई इन द टेबल बिलो, ओके। अभी हमने क्या कर दिया है कि जो एलिमेंट्स जो होते हैं उनकी जो एटॉमिक रेडियाई जो थी उनको उनके हिसाब से मतलब उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर उनको अरेंज कर दिया इस टेबल में, ओके। तो ग्रुप वन के अंदर सबसे जो एलिमेंट को अगर जब हमने अरेंज किया उनको एटॉमिक रेडियाई के अंदर, तो हमने देखा कि लिथियम के बाद में सोडियम, फिर पोटेशियम, रुबिडियम और सबसे लास्ट में आता है सीजियम, ओके। ऐसा इसलिए है कि जो लिथियम की जो एटॉमिक रेडियाई है वो 152 है, और फिर जैसे जैसे हमने इन एलिमेंट को इनके इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर अरेंज किया, मतलब 152 के बाद 186 आया, 231, 244, 262, मतलब एटॉमिक रेडियाई के इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर अरेंज किया, तो हमने देखा कि जो लिथियम जो है उसकी जो एटॉमिक रेडियाई जो है वो सबसे कम है और सीजियम की जो एटॉमिक रेडियाई है वो सबसे ज्यादा है, क्लियर। अब हमारा जो क्वेश्चन 2 है वो ये है कि नेम द एलिमेंट्स विच हैव द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट एटम। मतलब हमने क्या करा कि जो एलिमेंट है उनको एटॉमिक एलिमेंट को उनके एटॉमिक रेडियाई के इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर उनको अरेंज कर दिया। फिर हमने अरेंज करने के बाद हमें ये बताना है कि सबसे स्मॉलेस्ट एटम कौन सा है, लार्जेस्ट एटम कौन सा है। तो स्मॉलेस्ट वो होगा जिसकी एटॉमिक रेडियाई जो होगी वो सबसे कम होगी, और लार्जेस्ट वो होगा जिसकी एटॉमिक रेडियाई जो होगी वो सबसे ज्यादा होगी। तो जो सीजियम जो है वो सबसे लार्जेस्ट एटम होगा और जो लिथियम जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट एटम होगा। ये मैंने आपको इसका रीजन समझा दिया, क्लियर। अब है क्वेश्चन 3 इसका एक्टिविटी का, हाउ डज द एटॉमिक साइज वेरी एज यू गो डाउन ए ग्रुप। मतलब जब आप ग्रुप के अंदर ऊपर से नीचे जाते हैं तो मतलब जो एटॉमिक साइज के अंदर वेरिएशंस किस तरह का आता है। तो हम जब किसी भी ग्रुप के अंदर ऊपर से नीचे जाते हैं तो एटॉमिक साइज इंक्रीज एज वी गो डाउन ए ग्रुप, मतलब किसी भी ग्रुप में अप टू डाउन जाएंगे तो उनका जो एटॉमिक साइज जो होता है एलिमेंट का वो इंक्रीज होता है। एटॉमिक साइज होने का, इंक्रीज होने का मतलब होता है कि ग्रुप के अंदर जो सबसे ऊपर वाला जो मेंबर होता है, एलिमेंट होता है, वो सबसे छोटा होगा और जैसे जैसे हम नीचे की तरफ जाएंगे तो उनका साइज जो होगा वो बड़ा होगा और उस ग्रुप का जो सबसे लास्ट का एलिमेंट जो होगा वो सबसे बड़ा होगा, ओके। अब हम इसी चीज को मतलब समझते हैं कि ये ग्रुप, मतलब जब हम ग्रुप के अंदर अप टू डाउन जा रहे हैं तो जो एटॉमिक साइज का जो ये ट्रेंड है उस ग्रुप के अंदर, उसके अंदर वेरिएशंस क्यों आते हैं। तो वो सब जो वेरिएशंस जो होते हैं वो हमें इसको देखने के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस को क्या करना पड़ता है, समझना पड़ता है। तो सबसे पहले हमने ग्रुप जो ये फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम को इनके एटॉमिक नंबर के हिसाब से इनको अरेंज कर दिया है, ओके। फिर हमने बनाया इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस लिख दिया है, तो लिथियम का 2-1, सोडियम का 2-8-1, फिर जो पोटेशियम का है 2-8-8-1, रुबिडियम का 2-8-18-8-1-2 और फिर सीजियम का है 2-8-18-18-18-8 और 1। ये इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस बनाना होता है तो उसके लिए एटॉमिक नंबर्स जो होता है वो आपको पता होना चाहिए, ओके। इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस के हिसाब से मतलब आप देखेंगे कि जैसे जैसे ग्रुप के अंदर आप अप टू डाउन जा रहे हैं, मतलब लिथियम, सोडियम और पोटेशियम तक जा रहे हैं, ओके, तो इसमें देखेंगे कि जो नंबर ऑफ शेल जो होते हैं ना, इसमें कितने हैं, 1, 2,
इसमें कितने हैं नंबर ऑफ शेल, 1, 2 और 3 है, और इसके अंदर नंबर ऑफ शेल कितना है, 1, 2, 3। तो इनके अंदर जैसे जैसे ग्रुप के अंदर आप अप टू डाउन जाते हैं तो ये देखते हैं कि इनका जो नंबर ऑफ शेल जो होता है वो इंक्रीज हो रहा है। शेल का मतलब इनके चारों तरफ जो सर्कुलर पाथ होते हैं ना वो बढ़ते जाते हैं। ओके, अब क्या होता है कि जैसे जैसे सर्कुलर पाथ बढ़ेंगे ना तो ये जो अंदर जो है यहाँ पे जो ये प्रोटॉन्स जो होते हैं इसका जो मतलब ये जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, अगर मतलब शेल का नंबर जो होगा अगर कम होगा तो वो बाहर मतलब जो न्यूक्लियस जो होता है वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को मजबूती से पकड़ के रखेगा इसलिए। ओके, तो लिथियम का जो एटॉमिक साइज जो होता है वो सबसे कम इसलिए होता है कि इसके अंदर ये नंबर ऑफ शेल जो होते हैं वो कंपैरेटिवली पोटेशियम के कंपैरेटिवली क्या है, कम है। और कम होने का रीजन ये है कि इसके अंदर क्या हो गया है कि नंबर ऑफ शेल जो है वो क्या है, कम है। अगर आप पोटेशियम की बात करेंगे तो इसके अंदर आप देखेंगे कि पोटेशियम के अंदर लिथियम के कंपैरिजन नंबर ऑफ शेल कितना है, एक ज्यादा है। तो इसका क्या कहने का मतलब क्या होगा कि जो ये जो न्यूक्लियर चार्ज जो आप देख रहे हैं ये पॉजिटिव न्यूक्लियर चार्ज होगा, इसका बाहर वाले इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो जो मतलब उसको क्या करेगा, ये मजबूती से नहीं पकड़ पाएगा। ओके, तो इसलिए इसका जो साइज जो होगा वो बढ़ता जाएगा। ओके, तो कुल मिला के जो ग्रुप जो होते हैं उसके अंदर क्या होता है कि मतलब जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो नंबर ऑफ शेल जो होते हैं वो बढ़ते जाते हैं। नंबर ऑफ शेल की बढ़ने की वजह से जो न्यूक्लियर चार्ज जो होता है वो मतलब कम इफेक्टिवली वर्क करता है, और कम इफेक्टिवली वर्क करने के बाद वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को इतनी मजबूती से नहीं खींच पाता है, इससे उनका साइज जो होता है वो जैसे जैसे ग्रुप में आप अप टू डाउन जाते हैं वो बढ़ता जाता है। ओके, तो ग्रुप के अंदर ये मेन रीजन है एटॉमिक साइज का कि नंबर ऑफ शेल जो होता है वो बढ़ने की वजह से जो उनका एटॉमिक साइज जो होता है वो क्या होता है, इंक्रीज होता जाता है। ओके, ये एक्टिविटी आपकी यहाँ पे 5.8 कंप्लीट होती है। इस एक्टिविटी के अंदर यदि आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाल के पूछ सकते हो, और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लुक एंड लर्न क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और लेटेस्ट अपडेट के लिए नोटिफिकेशन हिट बॉल बेल को हिट करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।